गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन आई एम बैक विथ माई लेक्चर सीरीज ऑफ जनरल नॉलेज. सो यस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड टिल चैप्टर नंबर 5 अबाउट द ड्रिंक्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू नो सम फैक्ट्स. सो द चैप्टर नंबर 6 इज डू यू नो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम फैक्ट्स. सो वॉट इज स्टोनहेंज? A large prehistoric monument near Salisbury, England, made up of huge stone. Who built it and why is a mystery that has not been solved till date. तो ये जो Stonehenge है, it is basically a monument. ये historic monument है. कहाँ पे है? It is in Salisbury, England, जो कि एक बहुत बड़े बड़े stone से मिलके बना हुआ है. अब ये किसने बनाया है और क्यों बनाया है, इट इज एक्चुअली अ मिस्ट्री. और ये अभी तक, टिल दिस डेट, इट हैज नॉट बीन सॉल्व्ड. ओके, नाउ विच एनिमल कैन क्लीन इट्स ईयर विथ इट्स टंग? द जिराफ. टंग इज 21 इंचेस लॉन्ग, इजी टू फ्लिक एंड क्लीन द ईयर. सो यू प्लीज नोट इट डाउन एंड इवन रिमेम्बर दिस, दैट द जिराफ इज हैविंग 21 इंचेस लॉन्ग टंग. सो ही और शी, इट क्लियर द ईयर विथ इट्स. Now, the next question is, why do we sweat? So, when the body gets heated, the temperature needs to be regulated. तो जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है, इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड, क्योंकि हमारा एक बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो उसे मेंटेन या रेगुलेट करने के लिए ये जो स्वेटिंग होती है, इस वजह से होती है. जो स्वेट होता है, इट इज बेसिकली अ वॉटर ड्रॉपलेट. क्या होता है? एक स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट होता है जो इवापोरेट होता है एंड कूल द बॉडी. वेन इट गेट इवापोरेटेड, तो हमारी बॉडी जो थी वो ठंडा ठंडा फील करती है, ठीक है, कूल फील करती है. हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट इन स्पेस? साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, स्पेस इज वैक्यूम. सी, साउंड जो होता है वो ट्रेवल होता है एयर के थ्रू, बिकॉज वट एवर आई एम सेइंग इट इज ट्रेवलिंग टू यू थ्रू एयर, बिकॉज एयर इज अ मीडियम. बट इन स्पेस, स्पेस इज वैक्यूम, देर इज नो मीडियम. दे कम्युनिकेट थ्रू रेडियो वेव सिग्नल्स, दे आर सेंड टू देयर हेडसेट्स दे वेयर. सो एक्चुअली हाउ दे कम्युनिकेट थ्रू रेडियो वेव सिग्नल्स. रेडियो वेव सिग्नल्स इज अ टाइप ऑफ अ सिग्नल थ्रू विच द एस्ट्रोनॉट्स यूज टू कम्युनिकेट टू ईच अदर. वट दे डू, दे आर सेंड द हेडसेट्स दे वेयर. उन्होंने, उनके पास जो ऐसा जो एस्ट्रोनॉट सूट होता है उसमें ऑलरेडी होता है, और उसके थ्रू ही वो जो हेडसेट होता है उनके थ्रू वो क्या करते हैं, वो उसे पहनते हैं, दे वेयर, एंड बाई द हेल्प ऑफ दैट दे यूज टू कम्युनिकेट. वेन वॉज द ओलंपिक फ्लैग डिजाइंड? सो पीर डी Coubertin designed it in 1914. So when it was designed in 1940 by P. D. Coubertin, inspired by the symbol from an altar piece discovered in Delphi, Greece. He was inspired by the symbol from an altar, altar piece which is discovered in Delphi, Greece. Okay, so it was Olympic flag was designed when it was designed in 1914. Next is, who is Topolino? It is the Italian name for the well-known Walt Disney character Mickey Mouse. So you all have seen Mickey Mouse channel on the Cartoon Network. So Topolino is an Italian name for the well-known Walt Disney character Mickey Mouse, who is known by several other name in different languages. And it is, Topolino is an Italian name which is for the Disney character Mickey Mouse. Okay, so these are the some facts which we have discussed today. Hope you have liked it. So enjoy this chapter, learn it properly, and stay safe, stay healthy, stay at your home, and stay tuned to my channel. Thank you for watching.